क्यों सवालों में क्या हमने किया। प्रिपेयर में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये स्टार गोल्ड का होम थिएटर आया है दोस्तों आज अपने पास रिपेयरिंग होने के लिए। दोस्तों इसमें सिस्टम आईसी का प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। हमने कुछ महीने पहले हमने इसका रिपेयर भी किए थे, ठीक है। सिस्टम आईसी प्रॉब्लम है फिर भी, तो जाकर कुछ मॉडिफाई कर दिए थे जिसके वजह से तो बैस एकदम बिल्कुल क्लियर दे रहा था, अच्छा दे रहा था, ज़्यादा भी दे रहा था, ठीक है दोस्तों। पर ट्विटर में बहुत कम आवाज़ था। ताज कस्टमर का कहना है कि इसमें नया बोर्ड लगा दीजिए बोलकर, ठीक है दोस्तों। तो आइए आप देख पा रहे होंगे ये 4.1 2050 ट्रांजिस्टर वाला बोर्ड है। आइए इसको इसमें इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे हमने सभी खोल के रखे हैं। और ये भी चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे ये ओरिजिनल है, ठीक है। मॉडल नंबर GS G3 है, ठीक है दोस्तों। ये ओरिजिनल है जिसके वजह से इसका सिस्टम आईसी न मिलने पर ये बोर्ड रिप्लेस करना पड़ रहा है दोस्तों, इसमें इंस्टॉल करना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए अब इसको स्टैंड में सेट कर देते हैं, हम आपको सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख पा रहेंगे यही बोर्ड है। ये सभी का हम रिमूव कर देते हैं, कट उड सब रिमूव कर दिए दोस्तों, ठीक है। और आप इसको भी खोल लेते हैं दोस्तों, इस बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे हमने इस बोर्ड को खोल कर बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे होंगे हमने इसमें मॉडिफाई करके इस सेट को चालू किए थे, चल रहा था, पर यही प्रॉब्लम था कि ट्विटर में आवाज़ कम दे रहा था दोस्तों, ठीक है। ताकि अब इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे इस बोर्ड को इसमें इंस्टॉल करना है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये हमारा साउंड इनपुट के लिए, ऑडियो इनपुट के लिए हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका 5 वोल्ट आउटपुट हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपका स्पीकर का आउटपुट के लिए दे दिया है दोस्तों, ठीक है। और ये आपका बेस कंट्रोलर दे दिया दोस्तों, ठीक है। आप सबवूफर का यहाँ से कम बेस कर सकते हैं, एक वेरिएबल लगाकर, वॉल्यूम लगाकर, ठीक है। और ये सबवूफर का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपका 12012 का बस पावर देना है, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम इसको कर दिखाते हैं कि किस प्रकार से किया जाए दोस्तों, ठीक है। तो बस आप इस वीडियो पे बने रहें दोस्तों, तब तक हम इसको बॉडी में सेट कर लेते हैं दोस्तों बस। जी दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमने इसको सेट कर दिए हैं, ठीक है। और ये आपका 12012 का हो गया लाइन, ठीक है दोस्तों। तो ये 12012 का यहाँ पर हम कनेक्शन भी कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। बस ये जो ब्लैक वाला है आपका 0 है, ये दोनों 12 हो गया दोस्तों, ठीक है। 12012 लगकर हमारा होम थिएटर ऑपरेट होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये इसको बीच में 0 है दोस्तों, बीच वाला आपका 0 हो गया, और दोनों को 30 साइड से आपका 12 हो गया, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और इसका आपको छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें 5 वोल्ट से कोई नहीं होगा, जैसे कि ये 12 वोल्ट है, ठीक है, 0012 हो गया, अगर इसमें आउटपुट इस बोर्ड से 5 वोल्ट नहीं है, तब जाके इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों। अगर इसमें आउटपुट में दिया हुआ है तो इसको इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, बस ऐसा ही छोड़ देना है। इसको टेप मार देना है कि कहीं पे शॉर्टिंग वोटिंग ना हो बस। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने पावर के लिए तो कनेक्शन कर दिए हैं, आइए बाकी कनेक्शन यहाँ से हम करते हैं दोस्तों। हमने सभी को काट कर रखे हैं, देख पा रहे होंगे सभी काट कर रखे हैं। तो ये हो गया आपका सब ऊपर के लिए, ठीक है दोस्तों। सब ऊपर का ऑडियो का हो गया, स्पीकर का हो गया दोस्तों। आइए इसका भी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आप अच्छा से देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे कर दिए हैं।
और दोस्तों जब सोल्डरिंग करते हैं आप तो अच्छे से करें, कोई शॉर्टिंग ना हो, ठीक है ना। शॉर्टिंग होगा तो कहीं ना कहीं हमारा ही लॉस होगा, क्योंकि अभी आप चालू कर कर बजाएंगे, ठीक है ना। जैसा ही बजाएंगे चालू करेंगे तो आपका ट्रांजिस्टर उड़ जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारा ही लॉस है। तो कभी भी सोल्डरिंग करते हैं तो अच्छे से करें, ध्यान दे कर करें, आपस में शॉर्ट ना हो, ठीक है दोस्तों। अगर आपस में शॉर्ट हो जाता है तो फिर हमारा ही समस्या बढ़ जाएगा, घाटा में पड़ जाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कर दिए हैं। और करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम ग्लू से हम इसको जाम कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और ये जो हो गया ये आपका ये 5 वोल्ट के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 5 वोल्ट दिया है ना दोस्तों, तो इसमें आप देख ले कौन सा माइनस है और कौन सा प्लस है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको देख कर बता रहा हूँ कौन हमारा माइनस है और कौन हमारा प्लस है, सो ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इस वाले, ठीक है, इस तरफ मेरे हाथ के तरफ के ये जो आपका राइट साइड में हो गया दोस्तों, ये हमारा प्लस है, ठीक है। ये राइट साइड वाले प्लस हैं, तो ये इसमें भी कर देते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, आइए हम इसको भी प्लस को प्लस में कर देते हैं। ये व्हाइट वाला माइनस है दोस्तों, तो पहले माइनस को ही कर देते हैं। देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे बिल्कुल कर दिए अच्छे से। दोस्तों ये भी हमने कर दिए हैं, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे हमने कर दिए हैं बिल्कुल। और ये आपका एडियो इनपुट के लिए हो गया दोस्तों, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा इनपुट के लिए है, तो यहाँ पे दिया हुआ है इनपुट के लिए। तो यहाँ पे भी आप ध्यान दें कि कौन हमारा माइनस है और कौन प्लस है, सो ठीक है। ग्राउंड आप ध्यान दे दें, यहाँ पे ग्राउंड कौन सा है, सो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें जो बीच वाले हैं वो ग्राउंड है, ठीक है। तो ये बीच वाले में जो ये काला वाला है इसको हम कर देते हैं, जो इसका ग्राउंड है इसमें कर दे रहे हैं बस। देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे कर दिया, अब बीच में ग्राउंड को कर देते हैं, ठीक है। ग्राउंड का भी हो गया दोस्तों, और इसको भी कर देते हैं। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने लेफ्ट राइट दोनों को सोल्डरिंग कर दिए यहाँ पे, ठीक है। आइए, मेरा लगभग काम फिनिश हो गया है, बस अब इसका आउटपुट का जो स्पीकर है इसका भी कनेक्शन यहाँ से कर देना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है ये जो है ये दिया हुआ है, इसको भी कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस के लिए वेरिएबल दिया है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वाले में, इस होम थिएटर में जो आगे लगा है वैल्यूम, वो सिस्टम वाला है, ठीक है। तो ये सिस्टम वाला वैल्यूम है, तो इसको हम यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि सिस्टम वाला में ये नहीं लगेगा, ठीक है ना। डायरेक्ट कर देंगे, या तो ऐसा होगा तो हम इस वैल्यूम को ही चेंज कर देंगे, यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूम लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले इसका स्पीकर का कनेक्शन कर लेते हैं, तब तक हम वायर ले आते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, इस स्पीकर का भी कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको जोड़ के रखे हैं, ठीक है दोस्तों। आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो हो गया ठीक है दोस्तों, इसको ये अब देख पा रहे होंगे, इसको हमने जोड़ के रखे हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको यहाँ पे इसकी स्पीकर के लिए कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये दोनों पॉजिटिव है दोस्तों, ठीक है। तो आइए ऐसे रखते हैं, और यहाँ पे आप फोकस करें दोस्तों, यहाँ पे हम सोल्ड कर देते हैं इसका। दोस्तों मैं एक काम करूँगा, इसको नीचे से ही सोल्ड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको नीचे से ही सोल्ड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे होंगे, एक यहाँ पे कर देते हैं,
ठीक है दोस्तों, और ये कि यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा प्लस प्लस का हो गया है। और इसमें भी कर दिए दोस्तों, आइए दोस्तों इसका भी कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमने प्लस प्लस को कर दिए हैं, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है उसको कर दिए हैं, और ये बच गया हमारा नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, आइए अब इस नेगेटिव वाले को भी कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये नेगेटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव है, इस नेगेटिव पे इसको सोल्ड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिए हैं, देख लें अच्छे से आप। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे सोल्ड कर दिए हैं। आइए अब, आइए अब इसका आगे का करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये जो है वैल्यूम, ये जो वैल्यूम हो गया बैस के लिए जो वैल्यूम है दोस्तों, आइए अब इसका हम कर देते हैं। इसका हम यहीं से इसको ग्राउंड कर देंगे, दोनों को आपस में टच कर देंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ से टच कर देंगे, हमारा बिल्कुल चलने लगेगा। ठीक है जी दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आइए इसका अब आपस में टच कर देते हैं इसको। ठीक है, और इस प्रकार इसको कहाँ गया, पेस्ट शोल्डर है पेस्ट। ठीक है दोस्तों, इसको यहाँ पे सोल्ड कर दे रहे हैं बस। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे कर दिए हैं, ये वाला ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, ये वाला ग्राउंड है, तो ग्राउंड को छोड़कर बाकी जो दो लेग है इसको आपस में टच कर दे दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों अब इसका हम टेस्ट करते हैं। आइए दोस्तों अब इसका चेक करते हैं पावर देकर, देख पा रहे होंगे दोस्तों, बस इसमें हॉमिंग कर रहा है पर पैनल पे कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इस पैनल पे कुछ नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते हैं दोस्तों, हमने तो चेक करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है सो। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब 5 वोल्ट आ रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लूटूथ पे ज़रूर लाइन होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, आप देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है ना आप। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, आइए हम यहाँ पे चेक कर दिखाते हैं कि यहाँ पर 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 वोल्ट बन रहा है पर पैनल पर कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें एक नया ब्लूटूथ इंस्टॉल करेंगे दोस्तों, तो आइए उस ब्लूटूथ को निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, इस ब्लूटूथ को इसमें हम इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसी को इंस्टॉल देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये एडियो वाला वायर हो गया, आइए इसको कट करके और यहाँ पे ब्लूटूथ में इसका कनेक्शन कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे हमने काट कर दिए हैं इसको। ठीक है, और आइए यहाँ से इसका, ठीक है दोस्तों, ये जो हो गया आपका 5 वोल्ट के लिए हो गया। ठीक है, और ये एडियो के लिए, आइए इसको सोल्ड कर देते हैं, हम आपको सोल्ड कर दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही मालूम है, आप देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सोल्ड कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब आपको हम चेक कर दिखाते हैं, बस इस वीडियो पे बने रहें, हम चेक कर दिखाते हैं क्या हमारा सेट बसता है कि नहीं बसता है सब। आप सुन पा रहे होंगे दोस्तों, हमारा सेट बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और इस काम को सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका दिन मंगलमय हो।